बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, हमारा लास्ट और हमारा फाइनल सीजन है, काफी काफी एक्साइटेड है। थ्रू द फोर्थ थ्री सीजन्स हमें बहुत ज्यादा प्यार मिला, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। सो जस्ट क्यूरियस टू नो व्हाट पीपल वुड से एंड विल दे एक्सेप्ट अस विद इन द सेम वे दैट दे हैव ओवर द इयर्स। या एक्साइटेड, एक्साइटमेंट तो है ही, नर्वसनेस भी है और दुख भी है कि ये आखिरी मौका है, आखिरी बार हम सबसे मिलने आए हैं एज ध्रुव एंड काव्य आ रहे हैं। लेकिन वी होप कि आप सभी को ये सीजन पसंद आएगा। यस ओके, सीजन 2 के हिसाब से अगर बात की जाए तो मतलब प्रेशर ही बढ़ गया क्योंकि सीजन 1 हो गया, वो हिट था आपका YouTube पे, एक्सेस पे, Netflix पे आ पाए एंड नाउ सीजन 4, तो उम्मीदें दर्शकों की बढ़ जाती हैं। आपके ऊपर बतौर एक्टर कितना प्रेशर पड़ जाता है? मैं तो जो करती हूं, जो मेरे राइटर लिखते हैं तो उनको पूछिए कि जब वो लिखते हैं तब उनको कितना प्रेशर होता है। नहीं, हम बस एंजॉय करने की कोशिश करते हैं और एंजॉयमेंट में कुछ कभी-कभी अच्छा बन जाता है। सो टू एंजॉय इज डिफिकल्ट, बट या वी जस्ट एंजॉय इट। या पहले 3 सीजन में नहीं लगा आपको ऐसे? सिर्फ चौथे सीजन में मैच्योर हो गई है। मुझे तो लगता है तीनों सीजंस में देयर वाज अ स्टेडी ग्रोथ एंड जनरली एंड एवोल्यूशन इज अ बिग वर्ड, बट एक ग्रोथ हम दोनों की हुई है। तो हाँ, मतलब काव्या एज अ कैरेक्टर की डेफिनेटली हुई है, मिथिला एज अ पर्सन एंड एन एक्टर की भी हुई है। टू आंसर योर क्वेश्चन, यार ग्रोथ है, कैरेक्टर्स में ग्रोथ है, लोकेशन में ग्रोथ है, डायरेक्शन में ग्रोथ है, बिकॉज इट्स द न्यू सीजन। तो ऑफ कोर्स कोशिश की है कि जो पहले सीजन की जो गलतियां वो ना हो और जो नए एक्सपेरिमेंट्स हैं, नए स्किल्स हैं, वो शायद कर सकें। सो या कोशिश तो किया, देखो यार वन नेवर नोस। हां दुख हो रहा है क्योंकि हां इमोशन हो रहे हैं अभी, आई थिंक हम दोनों नहीं हो रहे क्योंकि अभी टाइम है, एज वी स्पीक अभी 5 तारीख है और 10 दिन है, तो वो अभी हिट नहीं हुआ है कि खत्म हो रहा है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे वो बढ़ता जा रहा है, जैसे हम उसके बारे में जितना ज्यादा बात कर रहे हैं उतना वो बढ़ते जा रहा है फीलिंग। बट आई थिंक वी बोथ वेरी प्राउड ऑफ द शो एंड वी वेरी हैप्पी विद व्हाट वे हाउ फार वी कम विद इट। नहीं, एग्जैक्टली सेम थिंग यार, देयर इज ऑफ कोर्स सैडनेस, बट उसके साथ साथ एक जॉय भी है कि इतना बड़ा मौका मिला, 5-6 साल हमने एक शो पे काम किया, इतने क्लोजली काम किया एक दूसरे के साथ, बाकी लोगों के साथ, एंड वही चीज़, इट्स बीन गेट, यू नो, इट्स गॉट सच अ गुड फीडबैक, सबसे इतना प्यार मिला है, दैट ऑफ कोर्स सैडनेस है, बट बहुत सारी खुशी भी है कि ऐसा कुछ हुआ हमारे साथ, यू नो। या इट विल ऑलवेज बी स्पेशल इन थिंग्स। लास्ट वीक क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच, बस ये कहना चाहूँगी कि इतने साल हम लोगों को आपने इतना सारा प्यार दिया, इतना ज़्यादा सपोर्ट किया,
तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि यू केम ऑन दिस जर्नी विद अस एंड थैंक यू फॉर लविंग अस सो मच रियली रियली ग्रेटफुल यस थैंक यू फॉर ऑल द लव थैंक यू